आज हम बनाने जा रहे हैं पालक चिकन, वो भी बिल्कुल देगी स्टाइल में। भाई पालक खाने के तो सभी शौकीन होते हैं, और बात हो जब पालक चिकन की तो फिर क्या ही बात है। तो चलिए आज बनाते हैं पालक चिकन, वो भी देगी स्टाइल में। वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने 2 गड्डी पालक की ली है, इन्हें बारीक काट कर अच्छे से धो लिया है। पालक को आपने कम से कम 3-4 पानियों से अच्छे से धोना है, क्योंकि इसमें मट्टी होती है। इसे मैंने धोकर पतीले में चढ़ा लिया है। यहाँ पर मैं इजाफी पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि पालक का अपना खासा पानी होता है। अब इसे दरमियानी आंच पर मैं 10 से 15 मिनट के लिए ढक दूंगी। पालक अपने पानी में अच्छे से गल जाएगी। बीच में आपने 1 से 2 बार चम्मच हिला देना है। ये देखिए पालक ने अपना अच्छा खासा पानी छोड़ दिया। यहाँ पर मैं इसको 1 से 2 दफ़ा चम्मच हिला लूँगी, ताकि पानी खुश्क होने पर पालक चिपक ना जाए। इसे मैंने फिर से ढक दिया है। तकरीबन 15 मिनट मैंने रखा है। देखे पानी खुश्क हो गया है और पालक अपने ही पानी में अच्छे से गल गई है। अब अगर आप चाहें तो पालक को बारीक पीसने के लिए आप ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसे पत्थर या सिल की मदद से कूट सकते हैं। यहाँ पे मैं हैंड मिक्सर का इस्तेमाल कर रही हूँ। पालक को मैं धड़धड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। हमारे यहाँ चूँकि बहुत बारीक पीसी हुई पालक को पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा धड़धड़ा रखूँगी। आपको पालक जिस तरह से पसंद है आप उस तरह से इसको ग्राइंड कर सकते हैं। बस ये परफेक्ट ग्राइंड हो गई है, मुझे इतनी चाहिए थी। इसे अब एक बाउल में निकाल लेते हैं। मसाला बनाने के लिए अब एक कढ़ाई में मैं तकरीबन 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल ले रही हूँ। सरसों के तेल में पालक बहुत ज़बरदस्त बनती है, आप इसकी जगह कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। अब इसमें एक बड़े साइज़ का मैं कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। प्याज को गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए प्याज अब गोल्डन हो गया। इसमें मैं 1 खाने का चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसे भी 1/2 मिनट के लिए पका लेते हैं। अब इसमें मैं 250 ग्राम यानी कि 1/2 किलो चिकन ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बोनलेस चिकन ले रही हूँ, आप इसकी जगह हड्डी समेत चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चिकन का कलर चेंज होने तक 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे कुक कर लेते हैं। देखें यहाँ पर चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। मैंने तकरीबन 2 मिनट भुना है इसे। यहाँ पे मैं 4 दरमियाने साइज़ के कटे हुए टमाटर शामिल कर रही हूँ। पालक से टमाटरों में बहुत अच्छी खटास और जायका बनता है, इसलिए हम टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलें अब इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 खाने का चम्मच नमक या हसबे जायका डाल लें। 1 खाने की चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च या अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 खाने की चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर। 1 खाने का चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 खाने के चम्मच हल्दी पाउडर की जाएगी। अब तमाम मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। यहाँ पर मैं पानी को शामिल नहीं करूँगी, बल्कि चिकन अपने और टमाटर के पानी में गल जाएगा। अब इसे हम हल्की आंच पर ढक देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। देखिए तकरीबन 4-5 मिनट गुजर चुके हैं, पानी खुश्क हो चुका है। अब चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं हम। ये टमाटर जो थोड़े साबुत नज़र आ रहे हैं, ये पालक जब डलेगी तो खुद ही इसमें तैयार हो जाएंगे। मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब पालक में जो फालतू पानी था मैंने निकाल दिया था, आप चाहें तो इसे भूनते वक्त सुखा सकते हैं। इसमें हम ग्राइंड की हुई पालक को शामिल कर देते हैं। मैं यहाँ पर दही को शामिल करूँगी, इसलिए मैंने इजाफी पानी नहीं डाला। इसे अच्छे से मसाले में शामिल कर लेते हैं। आजकल पालक का सीज़न है और मार्केट में बहुत ही फ्रेश और रीज़नेबल प्राइस में पालक मिल जाती है। भी पालक के साथ मकई की रोटी या फिर पालक के पराठे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं।
यहाँ पे मैंने पालक को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लिया। अब मैं आधा कप दही शामिल कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, क्योंकि हम देगी चिकन पालक बना रहे हैं तो इसमें दही शामिल होता है। दही से पालक का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर बनता है। अगर आप दही शामिल नहीं कर रहे तो इसकी जगह एक से दो टमाटर मज़ीद शामिल कर सकते हैं। अब चूँकि पालक का अपना पानी भी था और दही भी हमने शामिल कर दिया है, तो इसके लिए हम तेज़ आंच पर पालक को पका लेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। मैं इसे ढकने लगी हूँ और बीच बीच में एक से दो दफ़ा चम्मच हिला लूँगी। देखिए अभी इसमें अच्छा खासा पानी है। पालक पेंदे पर लगना चाहिए इसलिए आप बीच में एक से दो बार चम्मच हिला लीजिएगा। पानी खुश्क होने तक हमने इसे पकाना है। बस बीच बीच में एक से दो दफ़ा आप चम्मच को हिला लीजिएगा। ये देखें इसमें अभी अच्छा सा पानी है। मैंने इसीलिए उबालते वक्त पालक में पानी नहीं डाला था, क्योंकि इसका अपना काफ़ी पानी होता है जिसमें अच्छे से उबल जाती है, और उबल जाने के बाद आप इजाफी पानी को ड्रेन कर दें। देखें पालक का पानी खुश्क हो चुका है, इसके किनारों पर ऑयल आने लग गए। अब हमने इसको भूनना है। पालक की हमने अच्छी से भुनाई करनी है ताकि इसके अंदर से कच्चापन खत्म हो जाए। इस स्टेज पर आके मैं 8 से 10 हरी मिर्चें शामिल करने लगी हूँ। इन्हें मैंने बारीक से काट लिया था। ये हरी मिर्चें काफ़ी तीखी हैं इसलिए मैंने लाल मिर्चों की मकदार कम रखी थी। अब हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई कर लेते हैं ताकि पालक और दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। पालक चिकन हमारा बड़ा फेवरेट यहाँ पे खाने वाली डिश है, और शादियों और दावतों पे तो खास इसको शामिल किया जाता है मेन्यू में। इंशाल्लाह ये बिल्कुल देगी तैयार होने वाली है, बिल्कुल वैसे ही इसका टेस्ट होगा जैसे आप देगी पालक को खाते हैं। देखिए मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको भुना है। ऑयल किनारों पर आने लग गया है और ज़बरदस्त अब तैयार हो गया। अब चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारा ज़बरदस्त पालक चिकन रेडी हो गया है। ये बहुत लजीज तैयार होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे YouTube फैमिली के मेंबर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।